हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो आज पेपर था इंग्लिश का कक्षा दसवीं वालों का जो आज का पेपर इंग्लिश का था, तो आप लोगों का पेपर हो ही गया है। तो आप लोग अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए कि हमने कौन से सही किए, कौन गलत किए। ठीक, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारे उत्तर कितने सही गए, कितने गलत गए और कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए। तो जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आपके पास पेपर होगा जो सेक्शन ए है। सेक्शन ए से शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि यहीं से हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों ने इस पेसेज को जरूर पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने इस पेसेज को पढ़ा होगा तो आप पर डेफिनेटली अच्छे नंबर बन गए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी सरल थी। क्योंकि इसको आप, मैंने भी आप लोगों का पेपर होने के बाद, जब मेरे पास एक स्टूडेंट का पेपर आया, उसका हो गया जब, तो मैंने उसका पेपर किया, तो मैंने भी ऐसे को मैंने अपने मन से ही किया है। मैंने गाइड से कहीं नहीं देखा है, क्योंकि देखो बच्चों, मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। ठीक, तो पहले आप लोगों ने इसको पढ़ लिखा होगा। तो जैसे पहले सर्वप्रथम आप लोगों को साथ में बताता हूँ किस प्रकार से करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखना है। आपको क्या देखना है, क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन का हाउ मैनी कॉइंस वेयर फाउंड इज पुअर मीन्स द पॉकेट। तो आप लोग इसको शुरू से पढ़ना था। ठीक, जहाँ पे आप लोग पॉकेट दिख जाता है वहीं पे आप लोग मिला सकते थे यहाँ से। जैसा कि मैंने पढ़ते पढ़ते फिर मेरे को यहाँ से मिल गया, देखो यहीं से मिल गया, द पुअर मैन सेक्रेट इज द पॉकेट एंड प्राउडेस्ट टू स्मॉल कॉइंस। कितने, तो दो स्मॉल कॉइंस थे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया कितने कॉइंस थे पुअर मैन पॉकेट में, कितने थे, तो दो यानी टू लिखा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट लगा है गिव ए सब टाइटल फॉर द एबव पेसेज, मतलब कि जो पेसेज दी गई है इसका सब टाइटल क्या था। तो इसका सब टाइटल ए हो जाएगा, टाइटल फॉर टैक्ट। ठीक, इन्हें डी ऑप्शन आपका सही हो जाता। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट लगा है विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच, यानी कि आप लोग जानते हैं अपोजिट मीन्स क्या होता, उल्टा होता ना, अपोजिट मीन उल्टा। तो जैसे रिच मीन्स क्या होता है, रिच मैन होता अमीर, होता ना अमीर, रिच मीन्स अमीर। तो पुअर मीन्स क्या होगा, गरीब। होनेस्ट मीन तो ईमानदार होता है। ठीक, तो इसका आंसर होना था आपका ए वाला, सी ऑप्शन से होना था पुअर। ठीक, चलिए इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट आप लोग सामने चौथा वाला, चौथे वाले में लिखा है यहाँ पर द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। ठीक, तो इसमें बेकरी पूछा गया, तो इसका आंसर देखो हम लोग देखते हैं। बेकरी पूछा तो जस्ट आप लोग यहीं पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये लिखा है, मैं बता दूँ बेकरी कहाँ पर लिखा था, यहाँ इसमें पूछा बेकरी वाला। तो इसका आंसर आप लोग सामने यहाँ पर ऊपर देखते हैं, ऊपर तो नहीं है, हाँ देखो जी मिल गया, यहाँ से दुख मिल गया ना, बेकरी पूछा देखो यहाँ से आउटसाइड बेकरी एवरी डे। तो आप लोगों को इन्जॉइंग द नाइस स्मॉल द ब्रेकिंग ब्रेड, तो इसका आंसर होना था ब्रेड वाला। तो ये देखो आप लोगों के सामने यहीं पर लिखा, देखो ये लिखा ना, देखो ए टू इन्जॉय द स्मॉल ऑफ द ब्रेकिंग ब्रेड, तो मिल गया आंसर। तो इसका चौथे वाले का आपको जाना था सी वाला ऑप्शन सही हो जाता। चलिए इसी बात बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने पाँचवा देखा द बेकर टॉक द पुअर मैन टू। तो ये कहाँ पर थे, कोर्ट में, टेम्पल में या बेकरी में या होम में। तो हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाना था आपका क्या, इसका आंसर होना था द पुअर या कोर्ट होना था। देखो यहाँ पे लग गया, तो सो टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट, मिल गया यहीं पर आंसर। तो इसका आंसर आप लोग सामने यहाँ पर हो जाता पाँचवें का, हो जाता डी वाला आंसर, सॉरी पाँचवें का हो जाता ए वाला ऑप्शन कोर्ट। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने पाँच नंबर मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अब आप लोग पता हो गया कि मेरा कौन सही है कौन गलत है, आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक, इसका आप लोग ए पाँच नंबर के आंसर भेजिए, मैंने बता दिया। चलिए हम लोग दूसरी वाली आंसर भेजिए कंप्लीट कर दिए। फिर लगा हु सेव्ड द बी, बी मीनिंग क्या होती है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी को किसने बचाया था, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बचाया था किसने, कबूतर ने। ठीक, तो डॉग इसका आंसर हो जाना है डी वाला। ठीक, अगर आप लोगों ने एक ये पढ़ा हो तो अच्छी सरल है, क्योंकि काफ़ी सारे इसको आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से फिर दूसरा लगा था भाड द बी फील द सेव्ड बाई द डॉट। तो इसका हो जाना था ए वाला ग्रेटफुल, क्योंकि इसका आंसर देखो यहीं से देख सकते हो ए मिला था ग्रेटफुल टू ड्रॉट। ठीक, तो मिला लगा ना यहीं पर। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। फिर आपके सामने हु डांसेज विद द पेन, यानी कि जो जिसको पेन हुआ था, मतलब जिसको दर्द हो रहा था वो डांस कर रहा था, तो वो कौन था, तो वो था लड़का द बॉय। ठीक, तो क्योंकि मैंने यहीं पे बताता हूँ मैं कहाँ पे लिखा था, इस प्रकार से मैंने यहीं पर पढ़ा था। दो फिर द बॉय एंड द जस्ट वी गोइंग द स्कूल स्ट्रॉन्ग द डांस है, देखो दिन मिल गया ना द बॉय डांसर विथ पेन, तो वही पे मिल गया ना द बॉय। तो इसका आंसर हो जाना था द बॉय। ठीक, तो इसका आंसर था आपका क्या, इसका हो जाना था डी वाला, इसका हो जाता ये, इसका हो जाता द बॉय। ठीक, फिर आपको लिखना है द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग, यानी टम्बलिंग। तो
टम्बलिंग का होना था कि टम्बलिंग का अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ है हिंदी अर्थ इसका अर्थ, तो इसका हो जाना था आपका फ्लेनिंग गिरना, ठीक इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक तो चौथे का हो जाना था ए ऑप्शन। फिर द बी वांट टू टैंक, तो टैंक का हो जाना था ए वाला, देखो मैं ए ऑप्शन सही होना था। चलो हम इसका आंसर दिखा देते हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम आपको क्लियर लगना चाहिए कि हाँ देखो ए बी द बेंट टू टैंक, देखो लिखा ना टू टैंक टू क्यूज हे दिस थर्ड्स, लिखा ना थर्ड्स, देखो अभी यहीं पे मिल गया होगा तो टू के इन द थर्ड्स हो गया ना, तो इसका आंसर ए पाँचवें का हो जाना था ए ऑप्शन सही। तो बच्चों इसी प्रकार से ढूंढनी पड़ती है आंसर, जिस प्रकार से मैंने आपको ढूंढ के बताया ना तो पूरी तरह से प्रूफ के साथ, तो मैंने कहीं गलत तो नहीं बताया, प्रूफ पाकर आपको बताया किस प्रकार से ढूंढना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों आप लोगों सामने सेक्शन बी में था क्या एप्लीकेशन, तो दो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को एप्लीकेशन सीखनी चाहिए। मैंने तीन चार एप्लीकेशन मोस्टिंग बताई थी बच्चों को, जैसे मैंने बताया था एक बताई थी लीव के ऊपर नहीं छुट्टी के ऊपर, एक बताई थी बुकमार्क के ऊपर, एक बताई थी मैंने इस SLC मतलब कि SLC का फुल फॉर्म होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका एप्लीकेशन आ गई थी। जिन जिन बच्चों ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर सीखा होगा तो उन लोगों को जरूर बन गई होगी। इस प्रकार से मैंने तीन बताई थी, तीन में से एक नहीं आएगी तो दो तीसरी वाली फंस गई है। ठीक इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों अभी आपका विज्ञान का पेपर भी है 20 तारीख को, कितनी तारीख को 20 तारीख को है ना, हाँ तो जितनी तारीख का विज्ञान का पेपर रह गया है, इसलिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक चलिए इसी प्रकार से चौथा नंबर पर आपके सामने था निबंध, तो इनमें से आप लोग किसी पर एक निबंध लिखना था तो लिख दिए होंगे। फिर आप लोग सामने था एक पैराग्राफ, जिस चित्र देखे आपको 80 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना था, ठीक यानी 75 वर्ड या 80 वर्ड एक ही है, तो इस पैराग्राफ को जो तीन नंबर था। ठीक बच्चों चलिए इसी प्रकार से आप लोग सामने था क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें आप लोग सामने नोट पैकिंग दी गई थी। ठीक तो टाइटल लिखना था, इसमें नोट पैकिंग लिखनी थी जो 4 नंबर में थी। ठीक तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो मैं बताऊंगा इसको किस प्रकार से लिखना था। चलिए उसको छोड़ दीजिए, अब जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। ठीक फिल इन द ब्लैंक्स कैसा बनना था, तो पहले में आपका था B4। ठीक मैं आंसर आंसर बता जा रहा हूँ क्योंकि अब होप पेपर तो हो ही गया, आप क्या है समझने में, ओनली आंसर देख लीजिए। पहले में आपका था B4, दूसरे में था द, तीसरे में था आपका मस्ट, ठीक चौथे में था आपका ऑफ, पाँचवें में था आपका मैनी, छठवें में था आपका सिंग्स, ठीक और सातवें था आपका मे। तो इसमें से आपको क्या है 5 करने थे, तो मैंने 7 के बता दिए ताकि आप लोग इन्हीं में से कोई एक जिन जिन्होंने जो भी किया हो तो ठीक इस प्रकार से आपके आंसर थे। ठीक अगला था आप लोग सामने डू एच डायर, जो इनमें से भी 5 करने थे, तो डू एच डायर आपको इस प्रकार से करने थे। चलिए हम बता दें, जैसे पहला लगा था आपके सामने ही सो फेल्ड दैट द बी कैन नॉट फंड फास्ट यूज टू, इसमें टू का प्रयोग करना था। ठीक तो आप लोग लिखना था, पहले लिखना था आपको क्या, तो इस प्रकार से लिखना था, इसमें टू का प्रयोग करना था तो आप लोग लिखना था दिस, फिर लिखना था TW2, फिर लिखना था फैट, फिर लिखना था टू, फिर टू लगाना था, फिर लिखना था रन लेन, फिर लिखना था फास्ट। ठीक इस प्रकार से लिखना था, ठीक पहले वाले का। ठीक दूसरे वाले में आपको क्या करना था, ओनली हु लगा देना था, ठीक बीच में इसमें हु का प्रयोग करना था, तो आप लोग लिखना था द बॉयज मैनी नेपरा, फिर यहाँ पर लिखना था हु, फिर लिख देना था जा वाला, तो ओनली बीच में हु लगा देना था। ठीक तीसरा लिखा था अनलेस यू मैनी फास्ट यू विल ट्रेन, तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आप लोगों को इफ का प्रयोग करना था, तो आप लोग क्या करना था, पहले आपको इफ कर देना था, ठीक इफ पहले इफ लगा देना था, फिर आपको लिखना था इफ के बाद आपको लिखना था यू डिड नॉट लिखना था, इस प्रकार से करना था। ठीक बच्चों तो चलिए अभी हमें इतना छोड़ देते, तीन बता दिए, अब जो हो गया तो हो गया। ठीक डू एड थोड़ी बार, चलिए सेक्शन डी की बात करते हैं हम लोग आप लोग सामने। सेक्शन डी में पहले का हो जाना था, पहले का हो जाता आपके सामने क्या, एक मिनट बच्चों गलत नहीं करना, पहले का हो जाना था बी यानी लव वाला, दूसरे का होना था किट्टी, तीसरे का होना था आपके सामने कॉफ़ी, चौथे का होना था आप लोग के सामने मिजावी। ठीक इस प्रकार से होना था, तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने आंसर थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, तो क्वेश्चन नंबर 10वां भी आपको इसी में तो ढूंढ के लिखना था, तो जैसे आप लोग ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगे। तो पहले का था आपका ए वाला, दूसरे का था आपका डी वाला, और तीसरे में आपको ये बता रहा था कि जो जो गद्यांश दिया गया है ये कौन से पार्ट से दिया गया है, तो मेरे हिसाब से तो इस वाले इन दो में से कोई एक है क्योंकि मेरे को डाउट है, इसलिए आप लोग जरूर कर बताना। ठीक इसी प्रकार से इसको पढ़ना था, इसके पढ़ने के बाद इसमें भी आपका पहले का हो जाना था बी और दूसरे का हो जाता आपका सी। ठीक स्टूडेंट इस PDF को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग गूगल ओपन करना है, गूगल ओपन करते ही आप लोग सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप लोग लिखना है स्टडी नोट्स PG। ठीक
जैसे आप लोग स्टूडेंट नोट पेज लिखोगे सर्वप्रथम ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आप लोग सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा, तो आप लोग लिखा स्टूडेंट नोट पेज डॉट कॉम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग सामने कुछ नया इंटरफेस आ जाएगा जो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। तो जस्ट आप लोग को इंस्टॉल करते जाना है। यहाँ पर कई प्रकार के बोर्ड दिए हैं, एम पी बोर्ड, ए पी बोर्ड, यू पी बोर्ड, तो एम पी बोर्ड के हो तो एम पी बोर्ड पर क्लिक कर देना है। एम पी बोर्ड पर क्लिक करते ही आप लोग सामने इस प्रकार नया इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्लास 12th दी गई है और 10th भी दी गई है। जैसे यहाँ पर 10th क्लास है, यहाँ पर 12th क्लास है। यहाँ पर विषयवार दिए गए हैं, विषय है हिंदी विज्ञान, और यहाँ पर सेट दिए हैं। अब जो भी इसी सेट का आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो उस सेट पर, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट पर क्लिक किया, सेट पर क्लिक करती आप लोग सामने जस्ट नीचे चले जाना है आपको। जैसे यहाँ पर पूरा पेपर दिया गया है, पेपर पूरा, और जस्ट नीचे आप लोग लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक, यहाँ पर जैसे अभी आप लोग देख सकते हो। तो डाउनलोड जैसे ये लिखा ना डाउनलोड का ऑप्शन, तो इस बार डाउनलोड के ऑप्शन आपको क्लिक करना है। 15 सेकंड का एक ऐड आएगा, उस ऐड को देखने के बाद आपके मोबाइल पर एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, वो आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तीसरे में भी आपको इसमें पोइट का नाम लिखना था, पोएम का, ठीक, जो पोइट पोएम का, ठीक, जो पोएम दी गई है ये वाली पोएम, तो इसके लेखक कौन है, तो उनके नाम लिखना था, ठीक। इस प्रकार से और साथ ही बच्चों फिर आप लोग सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों ने आशा करता हूँ जैसे भी किए हों अच्छे ही किए हों होंगे, लेकिन क्वेश्चन बताने में आपको कुछ फायदा भी नहीं है क्योंकि आप लोगों पेपर हो ही गया है। अब नेक्स्ट पेपर आपका विज्ञान का है, तो विज्ञान की तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।